हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेजस्वी व्लॉग्स। और आज मैं जा रहा हूँ इंडिया। फाइनली 2 साल हो गए मुझे आए हुए और अब मैं आज जा रहा हूँ इंडिया। ये मेरा घर है जो मैंने अब छोड़ रहा हूँ। आप देख सकते हो सब कुछ खाली करके ऑलरेडी सब कुछ पैक है, सब इधर उधर जा चुका है और बस अब मैं निकल रहा हूँ। अभी 6:40 हो रहे हैं और मेरी फ़्लाइट जो 10:45 की है, तो अराउंड 7:30 के आसपास मेरे को चेक इन कर लेना है मैक्सिमम। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ एयरपोर्ट पर। सो गाइज, आई एम हेयर एट द एयरपोर्ट और जो मेरी फ़्लाइट है वो कैसे पैसे भी गया, बट अभी एयर न्यूजीलैंड ऑपरेट कर रही है उसे, तो मैं जा रहा हूँ। 20 kg लगेज मेरा अलाउड है और 7 kg हैंड बैग अलाउड है, और उसके साथ एक छोटा सा पीस ले जा सकते हैं जो कि मैंने एक ब्लैक बैग लिया है। इसके बारे में मैं चेकिंग करने के बाद ऑल और फर्दर डिस्कशन करूँगा। अभी थोड़ी सी एक टेंशन है, वो आपको बताऊँगा। अगर ये हैक कामयाब हो जाता है तो उसके बारे में भी बताऊँगा, नहीं होता तो भी बताऊँगा। चलो गाइज मिलते हैं, विल सी यू व्हेन आई हैव डन चेक इन। ये है ऑकलैंड का एयरपोर्ट। इकॉनमी इन न्यूजीलैंड, ये चेक इन होगा यहाँ पे। दिस इज़ द चेक इन काउंटर फॉर न्यूजीलैंड। और अभी मैं टाइम से आ गया हूँ। अच्छा है, यहाँ पे इतनी कोई भीड़ नहीं है, फटाफट सब हो जाएगा। गाइस मेरा चेक इन हो गया है, मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है और मेरे पास अपना एक हैंड लगेज है और मेरा एक हैंड बैग है। अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी करने की तरफ। एक बार सिक्योरिटी हो जाएगी तो अब आराम से बात कर सकेंगे चैन से बैठ के। बोर्डिंग पास भी डीट है हमारा, साला जाने ही नहीं दे रहा था। बस यहाँ अब सिक्योरिटी चेक होगा एंड दैट्स इट, देन सीधा प्लेन में बैठेंगे भैया जी, एंजॉय। सो गाइस, मैंने सिक्योरिटी कर लिया है और अब मैं ड्यूटी फ्री एंजॉय करूँगा। और मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत जिसे कहते हैं अराउंड 3 आवर्स हैं स्पेंड करने के लिए। और जो मैं हैक बता रहा था वो ये है कि ये न्यूजीलैंड जो है आपको ये कहता पैसिफिक जो है 20 kg अलाउड करता है। तो मेन लगेज में तो आपने 20 kg डाल दिया, ठीक है। ये वाला जो लगेज है इसमें आप 7 kg डालो, थोड़ा फालतू भी होगा, कोई नहीं देखेगा, बट वहाँ लिखा होता है। बट जो आपका हैंड बैग है जिसमें आपको 2 या 3 kg अलाउड है सिर्फ लैपटॉप के लिए, उसमें मैंने 12 kg भर लिया था। तो क्योंकि दिख नहीं रहा था, सही से लगा हुआ था, तो 12 kg प्रॉपर पैक था, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब मैं अंदर आ गया हूँ और अब कोई चेकिंग नहीं होगी। तो ये था हैक जो मैंने, इस वजह से मेरा पूरा सामान आराम से आ गया। तो आई एम वेरी हैप्पी और अब मैं जा रहा हूँ। ये सब आप ड्यूटी फ्री है देख सकते हो, न्यूजीलैंड का ड्यूटी फ्री है। यू हैव ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल हियर, लेट्स सी, देख सकते हो आप। ये 2469 एंड 69 इज़ 3500 रुपये। 3500 रुपये में 2 हैं रेड लेबल और एब्सोल्यूट और ये सब, और बाकी ये 2479 लगा हुआ है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ, बाकी मैं लूँगा जो भी सामान ड्यूटी फ्री का लूँगा वो इंडिया से ही लूँगा, बिकॉज़ कुछ भी हो जाए इंडिया इज़ क्वाइट चीपर। और यहाँ से पूरे रास्ता कौन उठा के लेके जाएगा? ऐसे तो मैंने हांगकॉन्ग भी रुकना है, बट कौन लेके पूरा रास्ता घूमता रहेगा? बेटर है कि वहीं से ली जाए, मस्त है। बाकी यहाँ का ड्यूटी फ्री आप देख सकते हो। दिल्ली वाला भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाला अच्छा नहीं है, दिल्ली वाला इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। पूरा परफ्यूम का सेक्शन है। यू हैव न्यूजीलैंड स्वीट्स, मनुका हनी विच इज़ द फेमस हनी ऑफ न्यूजीलैंड। मैं ऑलरेडी ये ले जा रहा हूँ घर वालों के लिए, तो ये मैंने बाहर से ही ख़रीद लिया था, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। ये चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स मैं ऑलरेडी बहुत सारी ले चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है ड्यूटी फ्री पे महंगी होती हैं। ये आप देख सकते हो, ये 3428 लगी है और मैं ये $15 की ख़रीद कर आया हूँ 3। तो यहाँ पे जो चॉकलेट है वो सस्ती होने की बजाय महंगी होती है, पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि ड्यूटी फ्री है तो सस्ती होनी चाहिए। वो जे बी हाई फाई का कुछ है। अब टाइम वेस्ट ना करते हो, हम चलेंगे आगे क्योंकि अपना चिल करेंगे और कुछ लेना वेना है नहीं हमें ऐसा। थोड़ी देर लॉन्च में बैठ जाएंगे या देखते हैं, लेट्स सी। चलो मिलते हैं आगे गाइस। सो गाइस, आई एम हियर एट द बोर्डिंग गेट, गेट 5।
और यहाँ से 10 बजे बोर्डिंग शुरू होगी और अभी बजे 8, तो सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ था और बहुत जल्दी हो गया था। और अब मेरे को बस वेट करना है, थोड़ा सा बोरिंग है ये, थोड़ा सा नहीं बहुत बोरिंग है। 10 बजे 2 घंटे की बात है, थोड़ा चिल करूँगा, मूवी भी देखूँगा, टाइम कट जाएगा। और अभी तो कट ही जाएगा, फ़्लाइट में कैसे कटेगा ये सोचना है। 12 घंटे की यहाँ से 11 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से पहली, और फिर हांगकांग से 5 घंटे की फ़्लाइट और है। तो मैं जब जा रहा हूँ घर पे, सबको बता के जा रहा हूँ, कोई सरप्राइज़ नहीं है। बस मेरी जो गर्लफ्रेंड है सपना, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है हमारा, मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को बता देता हूँ कि मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ लास्ट ईयर दिसंबर से। और अब जो है हमारा काफ़ी सीरियस हो चुका है, शादी वगैरह की भी बात चल रही है। तो बस उसको नहीं पता है, उसको मैंने बोला फिजी जा रहा हूँ और वो अभी मेरे से नाराज़ है कि तुम इतने दिन के लिए फिजी क्यों जा रहे हो, ये है वो है। तो उसको सरप्राइज़ मिलने वाला है, वो कल घर आएगी, उसका भी पूरा ब्लॉग बनेगा। उसको मम्मी ने कुछ सत्संग का या कुछ बहाना करके बुलाया हुआ है घर पे, तो वो कल जब आएगी तो जो उसका शॉक रिएक्शन होगा वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। फ़िलहाल तो अभी टाइम काटते हैं बैठ के, और कुछ नहीं कर सकते। सो गाइस, फ्लाइट हो गई है अराउंड 40 मिनट्स लेट, क्लीनिंग क्रू क्लीनिंग कर रहा था, अब बोर्डिंग शुरू हो गई है। बस मैं जा रहा हूँ अंदर, बस बोर्डिंग पास दिखाना है और पासपोर्ट चेक होगा, अंदर सीधा फ्लाइट में बैठ जाऊँगा। बैठ गया मैं प्लेन में और विंडो सीट है मेरी, बट जो विंग वाली जो सीट होती है वो है जिस पीछे एरिया है उनका, और ठीक है क्योंकि इसमें पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी और वॉशरूम बिल्कुल साथ है, तो सीट अच्छी है। और ऑटोमेटिक मिली है सीट, मैंने कोई पैसा नहीं खर्चा इसके लिए, पहले आप बुक करो तो आपको पैसा देना पड़ता है, बट मैंने सीधा चेक इन में डायरेक्ट डाला तो जो भी सीट मुझे असाइन हुई मेरे को डायरेक्ट वो मिल जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखते हैं। बैठ गया हूँ बाकी प्लेन में और आप देख सकते हो इनफाइट एंटरटेनमेंट भी है इनका, मूवीज़ हैं, म्यूज़िक है, कई सारी चीज़ें हैं। अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं ना कुछ देर में, और बाहर का भी आप देख सकते हो वेदर कैसा हो रहा है, फ़िलहाल तो सही है। बस निकलेंगे बिल्कुल जो विंग होता है फ्लाइट का उसी के ऊपर मैं बैठा हूँ। एक घंटे और मुझे बैठे हुए और अभी पहला मेल आ गया फ्लाइट का, तो ये दो ऑप्शन थे इसमें, चिकन और बीफ, तो ऑब्वियसली एज आई हिंदू आई लीड चिकन, सो ये है पहला मेल। टाइप कुछ है, स्वीट डिश है, बन है और पफ्स हैं, ये है चिकन, ये नाश्ता है, पोटैटो चिकन है। अभी 1.5 घंटा बचा हुआ फ्लाइट का और वो सारा टाइम कवर हो गया है। चेकिंग में काफ़ी टाइम लग गया, इन्होंने एक एक सामान निकाल के देखा है क्योंकि बहुत सारे पावर बैंक और बहुत सारे ड्रोन और कैमराज और पता नहीं लैपटॉप आईपैड पता नहीं क्या क्या मेरे पास ऐसे चीज़ हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। अब मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ, 15 नंबर गेट है मेरा,
ये है इनका सारा ड्यूटी फ्री एरिया। लास्ट टाइम मेरे को याद है मैं यहीं बैठा था बहुत टाइम तक। फिलहाल यहाँ चले 11:30 लैंडिंग है मेरी। इधर जा रहे हैं वैसे तो हमें, चलो इधर ही चलते हैं फिर, उस साइड जाके टाइम क्यों वेस्ट करना। यहाँ पे इस साइड रेस्टोरेंट है, ये आप देख सकते हो सारे ड्यूटी फ्री के, इनके जो हांगकांग के बाहर से परफ्यूम्स वगैरह के लिए और बाकी कपड़ों की शॉप्स वगैरह हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इनमें से कुछ भी नहीं खुला था बिकॉज जस्ट मंकी बॉक्स चल रहा था। करेंसी एक्सचेंज की भी फैसिलिटी है यहाँ पे, वेव एंड कोच सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं इधर, लॉन्जेस भी हैं यहाँ पे कुछ। लास्ट टाइम आया था तो ये कुछ भी नहीं बना हुआ था, हाँ बट उसको 2 साल भी हो चुके हैं और उस टाइम पे कोविड जस्ट ख़त्म हुआ था, न्यूजीलैंड ने बॉर्डर खोले थे, पहली फ्लाइट थी वो। अब तो बहुत टाइम हो गया कोविड के, बोर्डिंग शुरू होने के पैसिफिक की आई गेस हो गई है एंड आई एम फकिंग सुपर सुपर टायर्ड ब्रो, समझ नहीं आ रहा अभी क्या करूँ, अभी भी 6 घंटे की फ्लाइट बची हुई है। चलो चलते हैं बोर्डिंग शुरू है। फर्स्ट क्लास लुक्स लाइक, दो इकॉनमी वाले गरीब हैं, ये है कहते कि फर्स्ट क्लास। चेक आउट गाइस, मैं अपने देश अपने वतन भारत आ गया हूँ, एयर इन इंडिया इन दिल्ली, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बैगेज क्लेम। आई हैव 1 चेक इन बैगेज, वो लेके फिर मैं इमिग्रेशन की तरफ बढ़ूँगा क्योंकि यहाँ पे आखिरी बार तीसरी बार इमिग्रेशन मुझे करनी होगी, और जैसे मेरा पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे और इंडिया घुसने का ठप्पा लगाएंगे। तो बस अब फटाफट चलते हैं, बैग लेते हैं और निकलते हैं। मेरे 2 फ्रेंड्स मुझे लेने आ रहे हैं आदित्य धीरज, बट अभी मेरे पास कोई सिम नहीं है और यहाँ का जो नेटवर्क है फ्री वाईफाई का अजीब है थोड़ा, वो कह रहा है कि इंडियन सिम से OTP से लॉगिन करो तब मिलेगा तुम्हें वाईफाई, तो जो बाहर के कस्टमर्स आते हैं उनको वो कैसे करें, तो वही मैं अभी सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, देखते हैं बाकी। चलो दिस इज़ द इमिग्रेशन मेरे पीछे जो मैंने क्लियर कर लिए, नाउ आई एम going towards duty free section and then I'll get the baggage claim along with it, वहीं पर baggage claim भी हो जाता है। सो पहले दारू ख़रीद लेते हैं दोस्तों के लिए, ये तो मारेंगे साले। सो ऑल दिस लेट्स सी, आई वांट सिंगल मॉल्ट। तो गाइस मैं बेल्ट पे आ गया हूँ, मैंने 2 बॉटल ले ली हैं विस्की की, डिवॉर्स वाइट लेवल सेलेक्टिव रेंज की, और मुझे बैग मिला साथ में, मेरे को 9,000 की 2 बॉटल्स मिली हैं जो कि बाहर 12,000 की आई थिंक, तो थोड़ा अच्छा फ़र्क है इसमें, बट आई गेस न्यूजीलैंड में सेम प्राइस होगा। एनीवेज जो भी है लेके तो जानी थी दोस्तों के लिए, बस अब वेट कर रहा हूँ लगेज का, मेरा वाईफाई अभी तक नहीं चल पाया तो बस लगेज आए तो बाहर जाके किसी के फ़ोन से उनको कॉल करूँगा, दे मस्ट बी वेटिंग अराउंड देयर, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई लगेज टू कम। सो गाइज मैं आ गया हूँ बाहर सब कुछ कम्प्लीट करके, अब मैं जा रहा हूँ वे आउट पे और अपने दोस्तों से मिलूँगा फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग। सो लेट्स टेक एन एग्जिट एंड सी वेयर आर दीस मदरफकर्स, टच डाउन दिल्ली। सड़ी गर्मी जिसे कहते हैं, एक बार भारत माँ को प्रणाम कर लेते हैं। नहीं चाहिए भाई टैक्सी, नहीं चाहिए टैक्सी कहाँ है ये, अब कहाँ हो सालो, हाँ भाई पधारो हमारे देश, सीट आगे कर दे, हाँ मैं वहीं खड़ा हूँ, बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, ठीक है भैया।
सो गाइस ये है मेरी गली, चंपा गली। धीरज गायब हो गया है, मैं भी गायब हो रहा हूँ, नाइट कैमरे में तो नजर ही नहीं आ रहा। इंस्टा 360 का यही है, नाइट में ये हक देता बिल्कुल ही, लाइट चाहिए। आँखों बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, आँखों बिल्कुल मजा, आँखों एकदम मजा नहीं आ रहा। वो देखो ऊपर से ही देख रहे हैं, वो देखो गाइस, वो रहे हमारे पिताजी ऊपर से ही देख रहे हैं। झंडा लगा हुआ है भारत का हमारे घर पर। भारत का है, बीजेपी का है, भारत का है। थैंक यू थैंक यू। हाँ बोलो क्या फेंक दो भाई, अंदर का सामान ले लीजिए। दोबारा मोटा भी इंजर्ड आदमी हो गया, बुड्ढा हो गया, झंड कर दिया। कल मैं यहाँ पहुँच गया था, आप सब लोगों ने ब्लॉग देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो जाके देखो। मैं इंडिया आया हूँ, 3 महीने के लिए आया हूँ, एक लंबे टाइम पे। और आपको बोला था आज आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ ये है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, अराउंड 1 साल हो गया हमें साथ में, तो वो अभी आने वाली है। और वो मेरे से बहुत लड़ाई कर चुकी है, उसको मैंने बोला मैं फीजी जा रहा हूँ घूमने, इधर उधर जा रहा हूँ, और हाँ मैं इंडिया गया हूँ, तो उसको नहीं पता ये। उसको मम्मी ने बुलाया क्या कि घर पर सत्संग है कुछ, और वो अभी रास्ते में है, वो भी पहुँचेगी, और उसको फिर मैं सरप्राइज़ दूंगा। तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये, और देखना पड़ेगा कि उसका क्या रिएक्शन है, बहुत ही प्राइसलेस रिएक्शन होगा। तो जुड़े रहो मेरे साथ, देखते रहो व्लॉग, थोड़ी देर में वो आएगी, आपको सब दिखाऊंगा, और एकदम से उसकी आँखें बंद करवाएगी मम्मी से, और फिर जाके सरप्राइज़ करूँगा। हेलो हेलो, अच्छा बेटे कहाँ कहाँ है बेटे, है कहाँ पे है? बता कौन है, प्रिंस के हाथ नहीं पहचानती? नितेश तो नहीं है? नितेश, नितेश कहाँ से आ जाएगा? सरप्राइज। अच्छा लगा सरप्राइज? नहीं। हाँ अच्छा लगा? और चलो गुस्सा और चल। अरे क्या है, शौक क्यों होगी, डर रही है? तो पहले बता सरप्राइज अच्छा लगा? डर क्यों रही है, डर नहीं रही यार। कल रात को और कब आए? मुझे बताया भी नहीं। सरप्राइज दे रहा, डर क्यों नहीं इतना? रात को 2 बजे तो आया, रात को 2 बजे तो आया। और लड़ लो, पीजी क्यों जा रहे हो? और लड़ लो थोड़ा सा, पीजी क्यों जाएगा बता? ये इंडिया आ रहा था, बात नहीं करो। तुझे कहा था पीजी जा रहा है, इंडिया आ रहा था बेटे। बताया भी नहीं तो बताना, बताना किस लिए था? फिर सरप्राइज कह रहा था, तुमने कहा था एक हफ्ते में आ गया। लो